Now we are on current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आता है करंट। करंट में वन इज कॉल्ड एवरेज करंट, दैट इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। कूलम्ब पर सेकेंड कॉल्ड एम्पियर। एम्पियर इज एसआई यूनिट, कूलम्ब इज नॉट एसआई यूनिट। एम्पियर इज एसआई यूनिट, ठीक है, जो बेस यूनिट्स होती है, एम्पियर बेस यूनिट होती है। एंड द करंट एट एनी इंस्टेंस यू कैन फाइंड आउट बाय द डिफरेंशिएशन, दैट इज डी क्यू बाई डी टी। ओके, अगर करंट कॉन्स्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज सेम ही रहेगा। अगर करंट कॉन्स्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज विल बी सेम। करंट इज स्केलर। करंट स्केलर है तो व्हाट डज दिस डायरेक्शन मींस, व्हाट डज दिस डायरेक्शन मींस, ठीक है। हाउ वी डिफरेंशिएट द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज हु डजंट हैव द वो हु हैज द डायरेक्शन अलोंग विद मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज who doesn't have the direction, but current has the direction also, and current मतलब बिना direction के हम use भी नहीं कर सकते, क्योंकि current में हमको direction भी चाहिए होती है। direction change होते ही V is equal to E plus IR हो जाता है, E minus IR का, यानी direction change होने से changes भी होते हैं। So what is the direction here, right? तो यहाँ पे current जो है वो scalar quantity है, but जो direction है that tells the conventional direction of the motion of positive charge, that tells conventional direction of motion of positive charge. So it is basically the direction of velocity vector of the positive charge, theek hai. But hum isko current mein kyun nahi le sakte, kyunki kisi bhi cheez ko vector define karne ke liye do cheeze hona zaruri hai, sirf ek cheez nahi hoti कि डायरेक्शन होना जरूरी नहीं होता। इट मस्ट हैव डायरेक्शन एज वेल एज इट मस्ट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो एनी क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन बट फॉलो द एल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन इज कॉल्ड स्केलर। सो बिकॉज करंट फॉलो एल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन, राइट। एंड इंटरेस्टिंग, करंट डेंसिटी इज वेक्टर, करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, यानी करंट इटसेल्फ इज ए स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से, एंड ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, और जे इज इक्वल टू होता है सिग्मा ई, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, ठीक है। तो करंट इटसेल्फ इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी बट द करंट पर यूनिट एरिया बिकम द वैक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये बहुत बड़ा मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, करंट स्केलर, एरिया स्केलर, करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया एंड करंट डेंसिटी वैक्टर है, ठीक है। तो बहुत झोलझाल है, इसलिए बस याद कर लो ऐसा है, ठीक है। मैथमेटिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, राइट। डू यू नो दुनिया का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट क्या है? मैथमेटिक्स। ये हो गया करंट। नाउ चार्ज कैरियर्स।
चार्ज मूव करता है, चार्ज हमेशा किसी पार्टिकल के पास होता है. करंट मीन्स मोशन ऑफ चार्ज. अब चार्ज इट्सेल्फ कुछ भी नहीं है, चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ वन ऑफ द पार्टिकल, किसी पार्टिकल की प्रॉपर्टी है. तो बेसिकली द पार्टिकल्स दैट हैज द चार्ज आर कॉल्ड द चार्ज कैरियर्स. सो हाउ द चार्ज मूव्स, दैट इज थ्रू द चार्ज कैरियर्स. अब वो चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं, अगर हम बात करें मेटल्स, सो दोज आर फ्री इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन. फ्री इलेक्ट्रॉन या हम इनको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं. ये तो हो गया मेटल्स. देन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस दोनों होते हैं, जैसे Na प्लस एंड Cl माइनस. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ आयंस. गैसेस, गैसेस जब आयनाइज हो जाती है तो दे बिकम कंडक्टिंग. लाइक हम बोलते हैं डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो गैसेस का अपना एक डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है. कैसे, गैसेस में क्या होता है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं. ये मॉलिक्यूल्स गैसेस में यूजुअली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेंटर कॉन्साइड होता है. जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इट विल गो लाइक दिस, ये पॉजिटिव ऐसे नेगेटिव ऐसे, और हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करते जाए तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा. पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में है, तो एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन. सो किसी भी मीडियम का ब्रेकडाउन होने का बेसिक रीजन है आयनाइजेशन, और जैसे ही ब्रेकडाउन होता है द मीडियम बिकम कंडक्टिंग. डायलैक्ट्रिक मीन्स इंसुलेटर, तो जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ वो कंडक्टिंग बन गया, और जब कंडक्टिंग बन गया तो देन उसके जो डायलैक्ट्रिक वाले पर्पस थे वो खत्म हो गए. तो इसीलिए गैसेस में भी आयनाइजेशन होता है. तो गैसेस में हमारे पास जो चार्ज कैरियर आते हैं वो आते हैं पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आयनाइजेशन में नेगेटिव आयन नहीं होता. गैसेस के आयनाइजेशन में आपको नेगेटिव आयन नहीं मिलेगा, आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जो मॉलिक्यूल है वो पॉजिटिव हो गया, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव आयन, उसको हम पॉजिटिव आयन बोलते हैं, राइट. देन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इज अ कैटेगरी बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर. इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट एट ऑल, सेमी कंडक्टर स्मॉल कंडक्टिविटी, राइट. तो इन द सेमी कंडक्टर वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स. होल्स आर पॉजिटिव, ठीक है. ये जब हम सेमी कंडक्टर पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, राइट. अब हम करंट कंडक्शन कैसे होता है ये मेटल्स में अप्लाई करेंगे, और बाकी में अकॉर्डिंगली हम समझ लेंगे, बाकी के लिए अंडरस्टूड हो जाएगा. सभी में करंट होता है, ठीक है. तो हम मेटल्स में करंट कंडक्शन कैसे होता है वो समझेंगे, और बाकी सब में अप्लाई करेंगे. तो करंट कंडक्शन इन मेटल, ये हमारा कंडक्टर हुआ, इसमें ये एटम्स, राइट. एंड कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे. फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स have random thermal
velocity. Random thermal velocity like gas molecules. बिल्कुल जैसे एक गैस में उसके मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं. ठीक है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि रैंडम मोशन है. ठीक है, लाइक गैसेस में मॉलिक्यूल्स है. आप एक बहुत लाइट सा डिब्बा रखो, सपोज एक एनवेलप को ऐसे बैलून टाइप बना दो. ठीक है, बहुत लाइट सा कुछ रखो, उसके अंदर गैस भर दो, तो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, लेकिन वो बैलून को कहीं नहीं ले जा पा रहे. क्यों? क्योंकि उनका जो एवरेज मोशन है वो क्या है? जीरो है. एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, तो एक बैलून इधर ले जाने की कोशिश करेगा, एक बैलून इधर ले जाने की कोशिश करेगा, एक ऊपर एक नीचे, तो एवरेज मोशन क्या हो गया? जीरो. सो दो इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, स्टिल नो करंट, स्टिल नो करंट, राइट? सो इफ यू गेट अ क्वेश्चन दैट देयर इज अ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बट स्टिल नो करंट, क्यों? क्योंकि देयर मोशन इज नॉट यूनिडायरेक्शनल. करंट मीन्स यूनिडायरेक्शनल मोशन. अगर करंट ऐसे है तो सारा पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है. सो करंट के लिए यूनिडायरेक्शनल मोशन होना जरूरी है, नॉट द रैंडम मोशन, राइट? सो एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो. नाउ अब हमारा ये कंडक्टर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे जा रहा था यू वेलोसिटी से. हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी. कैसे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, सो देन इट विल बिकम डायरेक्शनल मोशन. ओके, एक मिनट में सर्किट बना देता हूँ. ये हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये पोटेंशियल डिफरेंस से ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो इसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लग गई. ठीक है, अब वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, उसका फाइनल डेस्टिनेशन डिफाइंड है. कैसे? उस साइड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन का. कैसे? लाइक मैं एक छत पे खड़ा हो जाऊं और एक पत्थर को किसी भी डायरेक्शन में फेंकूं, फाइनल डेस्टिनेशन इज डिफाइंड. व्हाट इज दैट? जमीन पे आना. ठीक है, तो जो नेट मोशन है, चाहे वो कैसे भी घूम के आए, बट द नेट मोशन इज डायरेक्शनल टूवर्ड्स ग्राउंड. तो ऐसे ही इसका मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, रैंडम होगा, बट देयर इज ए नेट मोशन टूवर्ड्स द एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दैट्स व्हाई दिस कॉजेज द करंट. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस एंड हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ऑल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स एंड एक्सेलरेट इन डायरेक्शन अपोजिट टू ए. ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस ई बाई एम. दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन. ठीक है, दिस डायरेक्शनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज करंट. दिस डायरेक्शनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज करंट. ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोशन बिफोर पोटेंशियल डिफरेंस एंड आफ्टर पोटेंशियल डिफरेंस? बिफोर पोटेंशियल डिफरेंस इट वॉज रैंडम मोशन,
ठीक है, नो यूनिडायरेक्शनल मोशन एंड आफ्टर पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज अ डायरेक्शनल मोशन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन है, राइट ये समझ में आ गया। नाउ अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या होगा, इट विल गेन द एनर्जी बट इट विल गेट कोलाइड विद द एटम्स। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेट होके एनर्जी मिली, एनर्जी मिली और वो फिर एटम से कोलाइड हो गया, तो उसने एनर्जी एटम को पास ऑन कर दी। दैट एनर्जी विल अपीयर इन टर्म्स ऑफ हीट, वो एनर्जी हीट के फॉर्म में अपीयर होगी। सो दैट्स वाई जब भी कभी चार्ज फ्लो होगा तो हीट जरूर डेवलप होगी, ठीक है। जब भी चार्ज फ्लो होगा हीट डेवलप होगी, हीट क्यों होती है, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट कोलिजन, राइट। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं उसके बाद जो एवरेज वेलोसिटी होती है दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड दिस एवरेज वेलोसिटी इज माइनस ई टॉ बाय एम, ठीक है। एंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड वी कैन राइट ई टॉ बाय एम या ई वी टॉ बाय एम एल, where V is potential difference and E is electric field, L is length of conductor. Right? So, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं और उनकी एवरेज वेलोसिटी अब जीरो नहीं है, तो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम is time between two successive collision, is time between two successive collision। यहां पे जो drift velocity का order होता है that is approximately 10 to the power minus 4 meter per second, दैट इज फ्यू मिलीमीटर, कुछ मिलीमीटर हो गया, तो ये बहुत कम वेलोसिटी है। क्योंकि ये कम वेलोसिटी है इसलिए हम इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ड्रिफ्ट मतलब खिसकना, ठीक है। तो ये बहुत कम होती है। अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, 1.6 into 10 to the power minus 19. I take potential as 1 volt. ठीक है, तो my mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 into length we take 1 meter. ठीक है, तो ये अगर मैं ले जाऊँ this is equal to 10 to the power minus 4. ठीक है, so this is 19. 12, the tau is how much? 10 to the power minus 16 of the order. This is the time. This time is such a small time. 10 to the power minus 16 is what kind of time you can say? ये नैनो पीको फर्मी से भी ऊपर चला गया, मगर मैंने कोई कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं की तो नहीं की ना, ठीक है।
तो ये फर्मी से भी ऊपर चला गया, तो यू कैन से इंस्टेंटेनियस, यानी बस अभी उसको स्पीड मिली और अभी उसको टक्कर हो गई, तो कहां जाएगा वो? सो इट इज मोर ओवर इज ऑलवेज कोलाइडिंग, ठीक है? दो कोलिजन के बीच का टाइम इस रेंज में है तो हमेशा कोलाइड ही कर रहा है, ओके? सो बिकॉज ऑफ दिस फ्रीक्वेंट कोलिजन वेलोसिटी मिलती नहीं है इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर, राइट? ठीक है, सो अकॉर्डिंगली एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में उसको टाइम लगता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में टाइम लगता है तो स्विच ऑन करते ही लाइट क्यों ऑन हो जाती है? ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचने में टाइम लगता है तो स्विच ऑन करते ही लाइट ऑन क्यों होती है? राइट, देखो अभी स्विच ओपन है, कहीं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, हर जगह क्योंकि सब कुछ कंडक्टिंग है, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो हर एक पार्ट पे इलेक्ट्रॉन डायरेक्शनल मोशन में आ जाएंगे, तो हर एक पार्ट पे इलेक्ट्रॉन डायरेक्शनल मोशन में आ गए तो करंट फ्लो हो गया ना, तो करंट तो क्रिएट हो गया। सो करंट डजंट मीन कि ये पार्टिकल वहां से वहां जाएगा तो करंट होगा, नहीं। आप सोचो, ये आपने एक कंटेनर ले रखा है, इसमें आपने लिक्विड फिल किया हुआ है, ठीक है, ये फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही ये वॉल आप तोड़ोगे ये फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो हर एक पार्ट फ्लो होगा। तो इट इज नॉट लाइक दैट यहां पे करंट हुआ, हर जगह करंट हो जाएगा, ठीक है? तो एवरी पार्ट विल फ्लो, सो अकॉर्डिंगली एवरी इलेक्ट्रॉन विल हैव अ डायरेक्शनल मोशन, एवरीवेयर एवरी इलेक्ट्रॉन विल बी इन डायरेक्शनल मोशन। तो स्विच ऑन करते ही करंट हर जगह हो जाएगा, और क्योंकि करंट हर जगह हो गया तो यहां पे भी करंट हो जाएगा एंड दिस विल बी ग्लो। सो इट इज इंस्टेंटेनियस फिनोमेना, इंस्टेंटेनियस। ट्राई टू अंडरस्टैंड कितने टाइम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? तो सब कुछ इंस्टेंटली होता है, ठीक है? ये समझ में आ गया करंट मॉडल ऑफ करंट कंडक्शन। देन वन मोर टर्म इज देयर, आई टोल्ड यू थ्री टर्म्स, वन डिफरेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देन रिलैक्सेशन टाइम, एंड देन इज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज डिफरेंशिएट बाई ईज ऑफ मोशन। जिसको मूव करना आसान है उसकी मोबिलिटी ज्यादा है, जिसको मूव करना मुश्किल है उसकी मोबिलिटी कम है। जैसे एक नॉर्मल वेट मैन और एक फैट मैन, तो यू कैन टेल किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, जो नॉर्मल मैन है। ऑब्वियसली द फैट पर्सन विल नॉट हैव मच मोबिलिटी। तो यहाँ पे भी बिकॉज इलेक्ट्रॉन का वेट बहुत कम है तो उसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आयन क्योंकि हैवी होते हैं तो उनकी मोबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बट इन जनरल मोबिलिटी का फिजिकल मीनिंग ये है कि मूव करना आसान है। इन जनरल मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो ज़्यादा वेलोसिटी गेन कर लेगा उसकी मोबिलिटी ज़्यादा है, जो कम वेलोसिटी गेन करेगा उसकी मोबिलिटी कम है, राइट? ठीक है बच्चों, देन आता है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर रिलेटेड टू द टर्म्स एन ई ए वी डी। एन इज नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें हर एक पैरामीटर को ले लो,
और उसको लॉजिकली सोचो कि उसके बढ़ने से करंट क्यों बढ़ेगा। हर एक पैरामीटर को लो, लॉजिकली सोचो कि उसके बढ़ने से करंट क्यों बढ़ेगा। सो नाउ फर्स्ट इज एन, नंबर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो करंट ज़्यादा होगा। क्यों? नंबर डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ज़्यादा चार्ज मूव करेगा, और ज़्यादा चार्ज मूव करेगा तो करंट ज़्यादा हो गया। ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अगर चार्ज ज़्यादा हो गया तो भी ज़्यादा हो गया। एरिया, एरिया, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो देन ईज होगा मूव करने के लिए, एरिया ज़्यादा होगा, और दूसरे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर भी ज़्यादा हो जाएंगे। जितना एरिया ज़्यादा होगा उतने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज़्यादा हो जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली करंट बढ़ जाएगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली तेज मूव करेगा तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, एरिया ज़्यादा होगा तो कोलिजन कम होंगे, ये हम कह सकते हैं, ठीक है, राइट। नाउ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ ए, एंड रेजिस्टिविटी हो जाता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। सो रेजिस्टेंस ऑफ द, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, लेंथ, एरिया एंड ऑल, वाइल रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती, हाँ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है व्हाट इज शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, राइट। ठीक है, रेजिस्टिविटी के लिए सिर्फ दो वेरिएबल्स फैक्टर्स हैं, एन एंड टो। तो रेजिस्टिविटी वी कैन से इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एंड टो, एंड दिस डेफिनेटली डिपेंड ऑन मेटीरियल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ मेटीरियल, मेटीरियल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ मेटीरियल। फिजिकल कंडीशन में क्या आता है? टेम्परेचर। अरे तुम लोग यहाँ कहाँ नहीं सुन रहे हो, कुछ तो बोल दो, येस नो हाँ ना पता तो चल जाए कोई है भी कि नहीं है। गुड, ठीक है, राइट। सो दैट इज व्हाट रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन। नाउ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इनफैक्ट अगर हम सिलेबस में देखें ना तो सिलेबस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी ये थोड़ी सी देर में फर्स्ट पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का ख़त्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं है सिलेबस में, काम करने के लिए बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर इंक्रीज, एन इंक्रीज एंड टॉ डिक्रीज। एन इज व्हाट? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो और ज़्यादा आयनाइजेशन होगा, और ज़्यादा आयनाइजेशन होगा तो और फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ने से नंबर डेंसिटी बढ़ती है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की रेंडमनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और रेंडमनेस और ज़्यादा बढ़ गई तो कोलिजन और ज़्यादा बढ़ गए, कोलिजन बढ़ गए तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, राइट। दैट इज लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंड टो। नाउ द प्रॉब्लम इज बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, सो वी कैन नॉट डिसाइड इफ इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि हम इसको कांस्टेंट भी रख सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बड़े आराम से कांस्टेंट हो सकती है, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़
कम हो रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, राइट? होता क्या है, अब कंडक्टर में n इज लार्ज, सो चेंज इन n अप्रोचेस टू जीरो. कंडक्टर में जो नंबर डेंसिटी है वो इतनी ज्यादा है कि उसमें चेंज क्लोज टू जीरो है, ठीक है? कंडक्टर में तो आयनाइजेशन वैसे ही हो जाता है, टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं होती, तो जो चेंज इन n है वो नेग्लिजिबल हो जाता है. अप्रोचेस टू जीरो मीन्स नेग्लिजिबल. सो देन विच इज इफेक्टिव पैरामीटर, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम. सो रो एंड आर इंक्रीजेस. कंडक्टर मैंने गलत वर्ड यूज किया, मेटल्स हैं तो सब कंडक्टर ही. इन मेटल्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज मेटल्स. सो मेटल्स में आयन बहुत ज्यादा है तो चेंज इन एन नेग्लिजिबल हो जाता है एंड अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी कम होती है. इन ऑल अदर n is appreciable and tau is negligible. So rho and r decreases. हम क्या बात कर रहे हैं, विद राइज ऑफ टेम्परेचर. तो अगर टेम्परेचर कम होगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा, दैट इज वेल अंडरस्टूड. तो सिर्फ मेटल्स ही कैसे हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, बाकी सब में कम होता है. इफ वी टॉक अबाउट एलॉयज चेंज इन रेजिस्टेंस और चेंज इन रेजिस्टिविटी इज नेग्लिजिबल. अप्रोचेस टू जीरो लिखने का मेरा मतलब है नेग्लिजिबल, है ना? ये नेग्लिजिबल है क्योंकि जब हम एलॉयज बनाते हैं तो उसमें हम दो ऐसे कॉम्बिनेशन डालते हैं, एक जिसका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और एक ऐसा जिसका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है. तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एलॉय में से एक सब्सटेंस का रेजिस्टेंस बढ़ेगा और दूसरे सब्सटेंस का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो नेट चेंज इज जीरो. नेट चेंज जीरो हो जाता है, राइट? ठीक है, क्विकली ओम्स लॉ पढ़ते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट? नाउ बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी होता है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ डिफरेंट वे. ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है वी, और ये एक करंट है, ठीक है, राइट? नाउ अब इसमें हम दो चीजें देखते हैं एंड अकॉर्डिंगली ओम्स लॉ को हम दो डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दो चीजें देखते हैं और ओम्स लॉ को दो डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे कैसे? ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं मेरे से, वी प्रोपोर्शनल टू आई होता है कि आई प्रोपोर्शनल टू वी होता है? बहुत बार आता होगा दिमाग में सबके कि आई प्रोपोर्शनल टू वी होता है कि वी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, राइट? करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, आई is directly proportional to V. ठीक है, current in an electric circuit is directly proportional to V, potential difference. जो भी हमने potential difference apply किया होगा उसके ऊपर depend करेंगे. Proportionality sign हटाएंगे तो this is G not R, okay?
वेयर जी इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ सर्किट. जो भी सर्किट है उसका पूरा कंडक्टेंस पूरा कैलकुलेट करके, राइट. सो दिस इज व्हाट ओम्स लॉ वेयर आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, करेक्ट. अब इसको हम डिफरेंट टर्म्स में कैसे लिखते हैं. अब इसको हम डिफरेंट टर्म्स में कैसे लिखते हैं, करेक्ट. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है. ये क्या है, करंट इन द सर्किट एंड दिस इज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टेंस. इसमें हम पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं और इसमें हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो V इज प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू I R, वेयर R इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी called resistance of resistor, right, called resistance of resistor. अब आप देख लो दोनों ही valid होते हैं, दोनों ही अलग चीजें नहीं है, दोनों same चीज है, ठीक है. तो इट्स नॉट लाइक दैट आई प्रोपोर्शनल टू वी होता है, वी प्रोपोर्शनल टू आई होता है. इट डिपेंड ऑन हाउ यू आर लुकिंग द थिंग, तुम कैसे चीजों को देख रहे हो. बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ट्रेन में जा रहे हैं, पेड़ चल रहा है कि ट्रेन चल रही है, हाउ यू आर लुकिंग द थिंग, ठीक है. आप अगर अपने हिसाब से देखोगे तो ट्रेन स्टेशनरी है, पेड़ चल रहा है, करेक्ट. वो तो हमारी ऑब्जर्वेशन पे, हमें पता है कि ट्रेन चल रही है इसलिए हम बोलते हैं ट्रेन चल रही है. लेकिन अगर ना पता हो तो वी कैन नॉट एनालाइज कि ट्रेन चल रही है कि पेड़ चल रहा है, ओके. सो दिस इज द सेम थिंग. आई प्रोपोर्शनल टू वी कब होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट सर्कल, एंड वी प्रोपोर्शनल टू आई व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर रजिस्टर, ठीक है. तो इसमें होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, इट इज करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट. इतना क्लियर है, ठीक है. तो ये सिंपल सा ओम्स लॉ है, इसके हिसाब से आर इज इक्वल टू हो जाता है वी बाई आई, राइट. दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. ये डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है. ओम्स लॉ वैलिड हो या ना हो, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन यही रहेगी. रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है. रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. आपको किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है, आप उसमें वोल्टेज अप्लाई करो, करंट मेजर करो, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है. यहां तक कुछ पूछना है? नहीं. एक कुछ होते हैं सब्सटेंस जहां ओम्स लॉ इज नॉट फॉलोड. इफ ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड, अगर ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, देन हम निकालते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस. अगर ओम्स लॉ वैलिड नहीं है तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा. ओम्स लॉ वैलिड नहीं है तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा, तो तब हम निकालते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस, दैट इज चेंज इन वोल्टेज टू चेंज इन करंट. ये दो ग्राफ है,
वी आई एंड आई वी, ठीक है. इन दिस ग्राफ आई इज प्रोपोर्शनल टू वी एंड इन दिस ग्राफ वी इज प्रोपोर्शनल टू आई. जनरली एक्स वेरिएबल है एंड वाई डिपेंड ऑन एक्स. जनरल जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं उसमें एक्स वेरिएबल है और वाई डिपेंड ऑन एक्स. तो यहाँ पे आई डिपेंड ऑन वी और यहाँ पे वी डिपेंड ऑन आई. तो ये दो ग्राफ है, ठीक है. तो आई वी ग्राफ, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ इज जी. जी मीन्स कंडक्टेंस. एंड स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज रेजिस्टेंस. स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज रेजिस्टेंस, ठीक है. यानी अगर ये एंगल मुझे थीटा है तो G इज इक्वल टू 10 थीटा, और ये एंगल थीटा है तो R इज इक्वल टू 10 थीटा. यानी मैं यहाँ से 10 थीटा निकालूंगा, यहाँ से 10 थीटा निकालूंगा, राइट. सीरीज पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस सबको आता है, वैसे भी सिलेबस में है नहीं सीरीज पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन फिर भी जब आप आगे सर्किट सॉल्व करोगे तो उसके लिए चाहिए होता है. तो सीरीज में सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं और पैरेलल में 1/R करके ऐड हो जाता है, पता है ना. नाम क्या है तेरा? जय. राइट, ओके. डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों. कुछ पूछने किसी को? अरे थोड़ा बहुत हाँ ना बोल दिया करो, ऐसा तो लगे ना कोई है देश में. हाँ राइट. टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस. आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी. ये फॉर्मूला है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी. इसमें आर टी रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, आर नॉट रेजिस्टेंस एट 0°C, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट. इफ रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, देन अल्फा इज पॉजिटिव. तो अल्फा पॉजिटिव होगा. If resistance decrease with increase of temperature, then alpha is negative. तो alpha negative हो जाता है, ठीक है. किस किस का अल्फा नेगेटिव होगा? मेटल्स, ये अल्फा पॉजिटिव. इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिव. इंसुलेटर, इंसुलेटर तो पढ़ते नहीं है. गैसेस
नेगेटिव, ठीक है, सेमीकंडक्टर नेगेटिव, नहीं बेसिकली मेटल्स को छोड़ के सबका नेगेटिव होता है, मेटल्स में पॉजिटिव होता है, हो गया है बच्चों? राइट नाउ फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, और ये ध्यान रखना ये कंडीशनल है, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर एल्फा डेल्टा टी। डेल्टा आर क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस, एंड डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन ये फार्मूला आप तभी लगाओगे जब स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर होगा। अगर किसी क्वेश्चन में रेजिस्टेंस डबल हो रहा हो ना तो वो स्मॉल चेंज नहीं होता, स्मॉल चेंज होता है अप टू 10%, ठीक है, अदरवाइज दैट कैन दैट इज काउंटेड इन लार्ज चेंज, और अगर लार्ज चेंज होता है तो यही यूज करोगे, ठीक है। सो दिस वॉज अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ करेंट इलेक्ट्रिसिटी।